हाँ सर, मेरा नाम हाशिम खान है और मैं बाबा रामदेव का चेला हूँ और मैं फिल्म लाइन में 41 साल से हूँ। गोविंदा फराह को लेकर मैंने पिक्चर बनाई है और काफ़ी मेरे कव्वाली के प्रोग्राम बहुत मशहूर हुए हैं जो जी टी वी में आया करते थे। तो पहले से मेरे पास ड्राइवर आया जाया करते थे, तो जल्दी मैं किसी का डॉक्यूमेंट्स मांगता नहीं था। इस बार क्या हुआ कि जो लड़का मेरे पास आया उसने डॉक्यूमेंट दिया, जब वो जाने लगा कुवैत तो उसने फिर अपने एक रिश्तेदार को मिला के गया कि ये लड़के को आप रखो, ये लड़का बहुत अच्छा ड्राइवर है, आपके पास काम करेगा। मेरे पास उसने काम किया, काम करने के बाद उसने 4 महीने काम किया, घर चला गया, बोलता ईद मना के मैं आऊँगा। फिर उसने मुझे आसाम से फ़ोन किया कि मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ, तो आप एक काम करें, मुझे कुछ पैसा 2,500 रुपये गूगल पे कर दो। मैंने उसको 2,500 रुपये गूगल पे किया और वो लड़के ने फिर मुझे बोला कि मैं अभी नहीं आऊँगा, ईद के बाद आऊँगा, 1 महीने के बाद। मैंने बोला ठीक है भाई तू आ जा। आने के बाद उसने 4 दिन मेरे पास काम किया। हम लोग फिल्म वाले हैं, इधर उधर से पेमेंट आती रहती है, पेमेंट मेरे को मिली, उसने पेमेंट देख लिया मेरे पास। नवीन डाते करके एक जगह है लोखंड वाले में, वहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी किया, 1,05,000 रुपये मेरी पेमेंट थी, लड़के ने देख लिया था। उसको मैंने बोला कि भाई पेमेंट रखिए गाड़ी में, ज़रा देखना संभालना, मैं उसकी फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, इसका नाम है बशीर अहमद। ये बशीर अहमद जो है मेरे पास से 1,05,000 रुपये लेके भागा हुआ है, इसका नाम है बशीर अहमद। दूसरी फ़ोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बशीर अहमद की दूसरी फ़ोटो जो डीपी में लगी हुई है, और ये आदमी रहने वाला आसाम का है और बाकायदा मैंने इसके लिए FRI दर्ज कराया। ये मैंने उसका FRI दर्ज कराया, फर्स्ट कापी, ये सेकंड कापी, ये थर्ड कापी। और ये लोग मेरी FRI दर्ज नहीं कर रहे थे, मैंने अपने सोर्स से DCP को फ़ोन करवाया, DCP साहब ने फ़ोन करा कोशीवाला पुलिस स्टेशन में, फटाफट मेरी FRI दर्ज हुई। और उसके बाद में मैंने आप लोगों को बुलाया कि और किसी के साथ ये चीटिंग ना करे, किसी भी फिल्म वाले के यहाँ ये काम पे लग सकता है और ये आदमी किसी के भी पैसे लेके भाग सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो मैं अभी जैसे एक आदमी मेरा 1,75,00,000 रुपये लेके भाग कर दिल्ली की जेल में बैठा हुआ है, तमाम उसने फिल्म आर्टिस्ट हीरोनों को, बड़ी बड़ी जो हीरोने हैं, चाहे वो श्रीदेवी की लड़की हो उसको 5 करोड़ की गाड़ी दिलवाया, नूरा फतेह को 5 करोड़ की गाड़ी दी, इस तरह से कई आर्टिस्ट को उन्होंने गाड़ी दिया। मेरे पास पैसा था, वो मुझसे मांग के लिए 1,75,00,000 रुपये, मुझे गम नहीं हुआ। लेकिन इस कोरोना काल में जैसे ही काम शुरू हुआ और मुझे मकानों की किस्तें देनी थी और मेरा पैसा लेके भाग गया। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है साक्षी चौहान, उन्होंने जब उस ड्राइवर को देखा तो उन्हें देखते से मुझे बोल दिया था, हाशिम जी मेरी 6th ये बोल रही है ये लड़का आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको आप निकाल दो, इस लड़के को अपने पास नहीं रखो। फिर भी हमने गलती करी, उसको रखा, अब उसकी सजा हम ये भुगत रहे हैं कि हमारा लड़का पैसे लेके भाग गया है। तो अब आप बोले अपने लिए, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पैसा मिल जाए, अगर उसने खर्च कर लिया है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको, अगर उसने बहुत तकलीफ है उसको पैसे की और मेरे पैसे उसके काम आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो वपरे, लेकिन कम से कम मुझे सॉरी बोले। मेरे पैर में लगा हुआ है, पैर से मैं अपाहिज जैसा हूँ और ऐसी हालत में मुझे गाड़ी में छोड़ के वो लड़का भागा, तो मुझे इस बात का अफसोस है और कुछ नहीं है। पैसा तो हम लोग फिर कमा लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लड़के को सबक जरूर मिलना चाहिए। जी, 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 वो लड़के की सैलरी कुछ 18,000 थी समथिंग, तो उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि इन्होंने इतने भरोसे से उसको रखा और उसको ऐसे भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। ये शुगर पेशेंट है, इनका अभी ऑपरेशन हुआ है पैरों का, ये चल नहीं पाते हैं, तो ऐसे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी मैंने उसको जब पहली बार देखा था ना, तभी मैंने इनसे कहा था कि ये लड़का मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी हरकतें इतनी घटिया थी, लाइक वो इतना इग्नोर करता था, कोई भी चीज़ बोलो तो इग्नोर करता था। तो मैंने इनको पहले ही बोला था कि मुझे ना ये लड़का सही नहीं लगता, तो उसको ऐसे चोरी नहीं करना चाहिए। और बल्कि ये बहुत सारे पैसे भी रखते थे, कभी 500 का चेंज रखा, कभी 100 का चेंज रखा, उसमें से भी वो चोरी करता था, लेकिन इन्होंने कभी वो चीज़ें देखी, क्योंकि इनके पास में इतने नौकर है, कम से कम 3 कुक है, 2 ड्राइवर है इनके पास में, इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, तो बच्चे है, मतलब
सारी फैमिली है, तो इतने अच्छे इंसान है, इतने हेल्पफुल है कि इन्होंने मेरी भी बहुत दफ़ा मदद की है और ये सारे लोगों को जानते हैं और बाकायदा वो रामदेव बाबा के इतने अच्छे मित्र है, उनसे बात होती है, मतलब इतने हेल्पफुल है कि वो लड़के के पास में पैसे भी नहीं थे, इन्होंने यहाँ से गाँव में उसको पैसा ट्रांसफ़र किया, बल्कि उसके पास में आईडी प्रूफ था या नहीं था आई डोंट नो, उसने बोला कि हम मैं बाद में दूंगा, मेरा कुछ बन रहा है आईडी प्रूफ, फिर भी इन्होंने उसको जॉब पे रखा। आजकल कोई नहीं रखता, आजकल कोई भी रखेगा तो आज मैं भी किसी सर्वेंट को या ड्राइवर को रखूंगी तो मैं सबसे पहले आईडी प्रूफ लूंगी, यू नो कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन इन्होंने उस पे ट्रस्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है और उस चीज का उसको फायदा नहीं उठाना चाहिए था, राइट। और सेकेंड चीज ये है कि गाड़ी में पीछे बैग रखी हुई है, उसमें 1,05,000 रुपए मतलब रखे हुए है और 10,000 जो थे वो 10,000 अलग से वो किसी को देने थे, हमारे कोई मित्र है जान पहचान वाले, तो उनको 10,000 मतलब टोटल उसने 1,15,000 रुपए वो लेके भाग गया। और ये कहानी है यहाँ की लव लाते के पास में, वो ये वॉशरूम के लिए सीसीडी में गए और उसको कहा कि बेटा जरा संभालना, बैग में कैश है, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ये जैसे वॉशरूम के लिए चले गए उसने पैसे वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, कभी भी किसी अनजान आदमी को मत रखो, अगर रखते हो तो बाकायदा उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसके नंबर के अलावा उसके चाचा मामा भाई बहन उनके भी फ़ोन नंबर होना चाहिए। आज उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, उसका किसी और का नंबर, किसी रिश्तेदार का नंबर मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं कम से कम उसको फ़ोन करके पूछ सकता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर उसको ज़रूरत थी मुझसे मांग लिया होता। तो मैं इसलिए ये इंटरव्यू कर रहा हूँ कि और भी जो फिल्म वाले लोग हैं जिनके पास लाखों रुपए आते हैं और वो किसी और अनजान आदमी के फांसे में ना फंसे और देख रेख से ड्राइवर को और सबको रखें, क्योंकि मेरे पास पहले भी एक ड्राइवर हुआ करता था, वो आया, मैंने पूछताछ नहीं करी, वो बोले कि मैं बहुत बड़ी हीरोइन के यहाँ ड्राइवर हूँ और उसके पास काम करता था, मेरे पास रहा, रहने के बाद 2.5 लाख रुपए मेरे को किसी से लेने थे, मैंने उसको पैसे लेने भेजे, वो पैसे लिए और अपना गाँव चला गया, जबकि मुझे उसके गांव का पूरा सीडी कैसेट मिला, सब कुछ मिला, होम मिनिस्टर उस जमाने के पहचान के थे हमारे, हमने उनसे बोला, राउरकेला में थे वो, और पैसा वो मेरे को रिटर्न मिल जाता, लेकिन चूँ कि उसको ज़रूरत थी, वो दुबई जाना चाहता था, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाना चाहता था, मैंने छोड़ दिया उसको और उसकी फैमिली को ही बोला कोई बात नहीं, कमाने गया है, बहुत अच्छी बात है, मेरे तरफ से किसी की मदद हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन लोग ऐसा धोखा देते हैं, मांग के लें वो अच्छा है, लेकिन इस तरह से किसी के धोखा देते हैं, किसी को मुझे पेमेंट देनी थी, विश्वासघात किया, ये अच्छा नहीं है। इस आदमी का नाम है बशीर अहमद और ये रहने वाला आसाम का है, मुंबई में ये रहता है, प्रेम नगर गोरेगांव में इन्फिनिटी मॉल के सामने है, वहाँ पर ये लड़का रहता है। तो कोई भी आदमी इसको ड्राइवर को ना रखे, अगर रखेगा तो अपनी जवाबदारी पे, अपनी जिम्मेदारी पे रखे। इसलिए मैं उसकी फ़ोटो दोबारा दिखाता हूँ, ये है बशीर अहमद जिसने मेरे यहाँ से चोरी किया और पैसे लेके भागा, पुलिस इनों से भी दिखाओ। और ये रहा उसका दूसरा फोटो बशीर अहमद का जिसने मेरे यहाँ से चोरी किया। अब ये पुलिस की एनओसी दिखा रहा हूँ जो मेरे यहाँ एफआरआई दर्ज हुआ, ये फर्स्ट कॉपी, ये सर सेकंड कॉपी, ये सर थर्ड कॉपी, और इसको हैंडल कर रहे हैं पांडो साहब सीनियर ऑफिसर हैं ओशीवरा पुलिस स्टेशन के, वो इसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप लोगों को भी थोड़ा पता चले, आप लोग जहाँ जहाँ डाल सकते हैं इसका डालें ताकि और लोगों को सबक मिले, और हमारे फिल्म लाइन के लोग अनजाने में रख लेते हैं तो किसी गलती में ना फंसे। थैंक यू सर। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।